एवरीवन, जैसा कि टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चली गया कि आज मैं आप लोगों के साथ ह्यूज लहंगा अनबॉक्सिंग तैयार करने वाली हूँ। अनबॉक्सिंग तो नहीं बोल सकते, हॉल बोल सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मैंने इन सबको मंगाया हुआ है indianrani.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों को लेना हो तो लिंक के थ्रू जाके ले सकते हो। मैंने 3 लहंगा मंगाया हुआ, इसमें से 2 लहंगा मैंने मेरी सब्सक्राइबर के लिए मंगाया हुआ है। उनकी शादी है तो मैंने अभी जल्दी में शेयर किया था ना लहंगा अनबॉक्सिंग, तो उसमें एक ग्रे कलर का लहंगा था, तो उन्होंने बोला था कि दी मुझे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, तो उनके लिए मैंने मंगाया हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लहंगा यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है। सिक्वेंस वर्क का ब्लाउज है, ये देखिए पिंक कलर में है, सिक्वेंस वर्क हो रखा है आगे की साइड और पीछे की साइड, दोनों तरफ आपको सिक्वेंस वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका ब्लाउज, कॉटन का ब्लाउज है देखिए। और इसका दुपट्टा अभी जस्ट मैंने लिया हुआ था, मैंने जो ये मेकअप लुक किया हुआ है, तो ये रहा इसका दुपट्टा, काफी ज्यादा अच्छा है। ओ माय गॉड, आई जस्ट लव इट। ये देखिए फुल सीक्वेंस वर्क हुआ है, वाओ। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, झिलमिल सितारों का आगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। वाह, ओह माय गॉड, टू गुड। काफी अफोर्डेबल रेंज का है। तो ये रहा इसका दुपट्टा और ये देखिए ये रहा लहंगा, और इन सबको स्टिच कराना है, अभी मैंने कराया नहीं हुआ है। फुल लहंगे पे कुछ इस तरीके का ही देखिए सीक्वेंस वर्क हुआ है, और इस टाइम सीक्वेंस वर्क काफी ज्यादा ट्रेंड में है। यहाँ पर मेरा स्टैंड है, मेरी साड़ी जितनी भी अनबॉक्सिंग करनी होती है यहीं पर रहता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है, नीचे आपको ऐसे लगा मिल जाएगा, देख रहे हो आप। तो या काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये था मेरा फर्स्ट लहंगा मैंने। सो फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये वाला लहंगा हद से ज्यादा पसंद है, पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गया था ये। ये देखिए ये भी सीक्वेंस वर्क का ही है, ये रहा इसका लहंगा। किसी भी साइज के लोग इसे बनवा सकते हैं, देख रहे हो आप इतना ज्यादा इसकी है। रात के टाइम अगर चाह रहे हो ना कि आप सबसे ज्यादा अलग लगो, चमको, तो आप इसे मंगा सकते हो। साइट पे पिक्चर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है जैसे आपको रियल में मिल रहा है। पिक्चर भी मैं आपको लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए लगा दूंगी। तो ये देखिए, और नीचे कुछ इस तरीके से इसमें भी लगा हुआ है, देख रहे हो आप। ये रही फर्स्ट लेयर, ये है कैन कैन, ये देखो कैन कैन। इसके बाद ये रही थर्ड लेयर, तो इस तरीके का है। और इसका भी दुपट्टा काफी ज्यादा अच्छा है, ब्लाउज भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है, काफी रॉयल लुक देगा आपको, और कोई बता नहीं पाएगा कि आपने कम रेट का लहंगा पहना हुआ है। पूरे रूम में बिखरा दे रही हूँ, सच बता रही हूँ। पैक करा रहता है ना तो ओपन करने में काफी मजा आता है, पैक करने में जब फिर से पैक करना होता है तो हालत खराब हो जाती है। तो ये रहा इसका दुपट्टा पिंक कलर का, डार्क पिंक आप इसे बोल सकते हो, कुछ इस तरीके का। ठीक है, लेस वर्क है और दुपट्टा फुल लेंथ का है, आप किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। और ये रहा ब्लाउज गाइस, ये देखिए फुल वर्क हुआ है ब्लाउज पे, देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये रहा तीसरा लहंगा, जो फर्स्ट लहंगा था ग्रे कलर का, उसमें जो वर्क हो रखा है वो है गोल्ड कलर में। एक मिनट में आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए इसमें गोल्ड कलर का हुआ है और इसमें सिल्वर कलर का हुआ है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए, और काफी ज्यादा अच्छा है। ये रहा इसका ब्लाउज, ब्लाउज में फुल वर्क हुआ है, और मैं पिक्चर भी लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए आप। तो ये रहा ब्लाउज, अब बढ़ते हैं इसके लहंगे की तरफ। तो
ये रहा लहंगा, ये देखिए, देख रहे हो फुल सीक्वेंस वर्क हुआ है, रात के टाइम काफी अच्छा लगेगा। दुपट्टा गाइस फुल लेंथ का दुपट्टा है, कुछ इस तरीके का लेस लगा हुआ है, मैंने दुपट्टा उल्टा पकड़ा हुआ है, ये देखिए। काफी लंबा चौड़ा दुपट्टा है। सो गाइज ये थे वो सारे कपड़े जिनको मैंने मंगाया हुआ है इंडियन रानी से। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सो अब दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून। और हाँ, इन सब की बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप वहां से जाके ले सकते हो। बाय बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव।